you all. Today I will start a new poem. Poem name is The Road Not Taken. This poem is related in unit 1. ये जो poem है हमारी वो unit 1 की related है poem. और इस poem का नाम है The Road Not Taken, written by Robert Frost. ये जो poem है हमारी The Road Not Taken वो रॉबर्ट फ्रॉस्ट, इसके जो पोएट है उसका नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट. वो एक अमेरिकन कवि है, वो अमेरिकन पोएट है. तो आज हम ये जो पोएम है हमारी न्यू, उसके बारे में हम कुछ पढ़ेंगे. हमारे पास से यहाँ पे फोर स्टैंजा में ये जो पोएम है उसको डिस्क्राइबेशन किया है रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने. तो पहले तो मैं इस पोएम के बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ. ये जो पोएम है वो मेकिंग चॉइस मीन जो चॉइस मीन चुनाव करना है. यहाँ पे हमें इस पोएम में दो रास्ते टू रोड्स मीन्स दो रास्तों के बारे में बताया गया है कि यहाँ पे जो ये पोएम के जो कवि है पोएट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट वो जो दो रास्ते हैं उन दो रास्तों में से किसी एक रास्ते को चुनकर आगे बढ़ने के बारे में बात करते हैं. तो यहाँ पे हमें जो दो रास्ते हैं उन दो रास्तों में से किसी एक रास्ते का चुनाव करना है. तो यहाँ पे मेकिंग चॉइस, फिर हम बात करेंगे कि ये दो रास्तों के बीच में से उन्होंने किस रास्ते को चुना. तो यहाँ पे हम हमारी पोयम है The Road Not Taken को स्टार्ट कर रहे हैं. तो आप सब लोग ध्यान से सुनना, यहाँ पे पोयम के बारे में कुछ बताया गया है कि दिस वेल नाउन पोयम इज अबाउट मेकिंग चॉइस. यहाँ पे जो हमारे पास जो पोयम है The Road Not Taken वो किस पे बेसिस है, मेकिंग चॉइस मीन्स चुनाव करना. यहाँ पे चुनाव करने के बारे में ये पोयम हमें बताती है. एंड द चॉइस टेक शेप अस, फिर ये जो पोयम है वो क्या करते हैं, वो हमें ये बताना चाहती है कि यहाँ पे दो रास्ते हैं तो दो रास्तों में से कौन सा सही रास्ता होगा वो हमें ये सिखाती है. रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज एन अमेरिकन पोएट. जो हमारी जो ये पोएम है उसके जो पोएट है वो कौन है, अमेरिकन पोएट है वो हु राइट्स, जिन्होंने बहुत सारे जो पोएम है वो लिखी है, जिसमें सिंपली मीन्स एकदम सिंपल लिखा है पोएम. फिर बट इन साइंसफुली, यहाँ पे उनकी पोयम में एकदम सिंपल भी होगा बट इनसाइंसफुली मीन्स जो समझदारी पूर्ण कुछ काम होगा वो. फिर अबाउट कॉमन, जो एकदम सीधा सादा होगा. ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव, और ऑर्डिनरी मीन्स साधारण अनुभव. तो उनकी जो हर एक पोयम है वो अलग अलग बेसिक पे है, जैसे कि वो सिंपल लिखते हैं बट कैसी होती है उनकी पोएम, समझदारी पूर्ण. उसमें समझदारी पूर्ण है कि मुझे दो रास्तों में से किसी एक रास्ते का चुनाव करना है, लेकिन वो रास्ता कैसा होना चाहिए, एकदम सही होना चाहिए. फिर कॉमन और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस, कॉमन मीन्स एकदम सीधा साधा रास्ता, और जो ऑर्डिनरी मीन्स साधारण एक्सपीरियंस मीन्स अनुभव. ऐसी पोएम पर उन्होंने बहुत कुछ लिखा है. तो यहाँ पे ऐसा ही कुछ समझदारी को मीन्स इन साइंसफुली, यहाँ पे जो टॉपिक है पोयम का वो यही है. यहाँ पे दो रास्तों में से जो पोएट है उनको एक रास्ता चूज करना है समझदारी को. तो हम देखेंगे अब पोयम फर्स्ट स्टैंजा में. यहाँ पे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट है वो कहते हैं कि यहाँ पे फर्स्ट स्टैंजा में ऐसा कहा गया है कि यहाँ पे दो रास्ते हैं लेकिन मैं एक ही रास्ते का यात्री बन सकता हूँ. मैं एक ही समय पर एक ही टाइम पे दो रास्तों पे नहीं चल सकता, तो मैं एक ही रास्ता अपनाऊंगा और एक ही ट्रैवलर बनूंगा. फिर मैंने दो रास्तों पर बहुत देर तक मैं खड़ा रहा वहां पर, तो मैं सोचने लगा कि ये दोनों रास्तों में से ये वो कौन सा रास्ता है जो मुझे सही दिशा में ले जाएगा. तो हम बात करेंगे ना फर्स्ट स्टैंजा की, आप ध्यान से सुनना. टू रोड्स मीन्स दो रास्ते या फिर दो सड़कें. डाइवर्जेंट, यहाँ पे डाइवर्जेंट का मीनिंग होता है अलग होना.
में फर्स्ट चेंजर की फर्स्ट लाइन में रॉबर्ट फ्रॉस्ट कहते हैं कि टू रोड्स दो सड़कें डाइवर्जिंग मींस अलग होना इन अ येलो वुड येलो येलो मींस पीला वुड मींस जंगल यहाँ पे जो दो सड़कें हैं वो जाकर इससे मिलती है जो पीला जंगल है उससे मिलती है तो यहाँ पे जो फर्स्ट सेंटेंस है हमारा उसमें जो कवि है वो कहते हैं कि टू रोड्स डाइवर्जेज इन अ येलो वुड यहाँ पे कहा गया है कि दो सड़कें हैं वो जाकर इससे मिलती है पीले जंगल से जाके मिलती है सेकंड लाइन एंड सॉरी यहाँ पे कहा गया है कि एंड सॉरी और माफ करें आई कुड नॉट ट्रैवल बोट यहाँ पे कहा गया है कि आई कुड नॉट ट्रैवल बोट मैं जो दो यात्रा है जो दो सड़कों की बात कर रहे हैं तो दो यात्रा है वो नहीं कर सकता था ऐसा यहाँ पे सेकंड लाइन में हमें कहा गया है कि मुझे माफ करें मैं दोनों यात्रा नहीं कर सकता था थर्ड लाइन इज एंड बी वन ट्रैवलर मैं एक ही यात्री बन सकता था यहाँ पे हमें थर्ड लाइन में कहा गया है कि एंड बी वन ट्रैवलर मैं जो ये दोनों यात्रा है ट्रैवल 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 का मीनिंग होता है यात्रा तो यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहा है कि और एक ही यात्री हो सकता था लॉन्ग आई स्टूड स्टूड मीन्स खड़े रहना मैं लंबे समय तक वहाँ खड़ा था मैं यहाँ पे एक ही यात्री हो सकता था और मैं लंबे समय तक वही खड़ा रहा एंड लुक डाउन मीन्स नीचे देखना एज फार एज आई कुड और मैंने नीचे देखा मैं झुकता ही चला गया जब तक मैं वहाँ खड़ा रहा तब तक टू वेयर ईच बेंच यहाँ पे बेंच बी एंड बेंच का मीनिंग होता है झुका हुआ इन दी अंडरग्रोथ यहाँ पे अंडरग्रोथ का मीनिंग होता है छोटा सा जंगल यहाँ पे पोएट कहते हैं कि और जहां तक मैं नीचे की ओर खड़ा रहा जहां तक मैं नीचे की ओर खड़ा रहा मैं झुकता था वहां तक एक को देखा अब ये जो हमारा फर्स्ट स्टैंजा है उसमें जो कवि है उन्होंने बताया कि दो सड़कें जाकर किससे मिलती है पीले जंगल से मिलती है बट मुझे माफ करें मैं दोनों यात्रा एक साथ नहीं कर सकता था एक ही यात्रा कर सकता था इसका मतलब है एक ही मैं यात्री हो सकता था एक ही रास्ते का तो मैं जब तक वहां खड़ा रहा मैं झुकता गया और मैंने एक को देखा जो दो रास्ते थे उनमें से अब जो कवि है उन्होंने एक ही रास्ते को देखा सेकंड स्टैंजा की ओर बढ़े तो उनमें कहा गया है कि धैन टू की अदर फिर मैंने जो दो रास्ते थे उनमें से किसी एक को चूज किया इसका मतलब हुआ कि फिर दूसरे को लिया अब जो दो रास्ते थे उन दो रास्तों में से मैंने किसी दूसरे सड़क को जो रास्ता था उसको लिया जस्ट एज फेयर जो उचित था जस्ट एज फेयर फेयर मीन्स उचित था जो दो रास्ते थे मैंने उन दोनों में से किसी एक को लिया वो उचित था And having perhaps the better claim, better means better and claim means दावा ये better दावा था ऐसा कहा Because it was grassy and wanted wear यहाँ पे wanted wear means पहनना और grassy means घास यहाँ पे कहा गया है कि लेकिन क्या यह घास था और ये क्या पहनना चाहता था दो एस वॉट हैज जी पासिंग हैज वन जैम रियली अबाउट द सेम ये जो दो रास्ते थे वो कैसे थे सेम टू सेम थे तो उनको चूज करना बहुत मुश्किल हो रहा था एक रास्ते में तो ग्रासी मीन्स घास था और वो घास से वो पहनना चाहता था लेकिन क्या पहनना चाहता था ऐसा हमें पूछा गया है तो यहाँ पे जो दूसरा स्टैंजा है
उसमें जो कुएं थे उन्होंने कहा कि जो दो रास्ते थे उन दो रास्तों में से मैंने एक को चूज किया और वो सही था, वो उचित था। फिर यहाँ पे कहा कि शायद वो बेहतर रास्ता था मेरे लिए। फिर कहा कि लेकिन क्या यह खास था और पहनना चाहता था, हालांकि उसके लिए वहां के रूप में वास्तव में उसी के बारे में कहना था। यहाँ पे जो दो रास्ते थे, अब दो रास्तों में से उन्होंने एक को चूज किया तो वो आगे बढ़ते चले गए रास्ते में। तो रास्ते में ग्रासी एंड वांटेड बियर मींस थोड़ा घास आया और वो घास कुछ पहनना चाहता था, ऐसा कुछ बोला। फिर थर्ड स्टेंजे की बात करें तो एंड बोथ, बोथ मींस दोनों, दैट मॉर्निंग इक्वली, इक्वली मींस एक समान, ले, ले मींस ले जाना। यहाँ पे थर्ड स्टेंजे में कहा गया है कि एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, इक्वली मींस एक समान, ले मींस लेट जाना। यहाँ पे कहा गया है कि और उस समय दोनों समान रूप से लेट गए। तो फिर यहाँ पे कहा गया है कि वो दोनों रास्ते हैं तो वो दोनों रास्तों में मॉर्निंग, मॉर्निंग मींस सुबह का टाइम, और इक्वली मींस एक समान, ले मींस लेट जाना, सुबह का टाइम था और दोनों समान रूप से लेट गए। ऑन लीव्स, लीव्स मीन जो, ट्रीज मीन्स रूट्स के वो पट्टे होते हैं उनको लीव्स कहते हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड थ्रोडन ब्लैक, यहाँ पे कोई भी कदम, यहाँ पे थ्रोडन ब्लैक का मीनिंग होता है डली, यहाँ पे जो कोई भी कदम काला नहीं पड़ा, जो मैंने दो रास्तों में से एक रास्ते को चूज किया था कि मैं इस रास्ते की यात्रा करूंगा, तो मैंने अपने कदम बढ़ाए तो वो मेरे जो कदम है वो कभी भी काले नहीं पड़े, ऐसा कहा गया है। ओ आई कीप द फर्स्ट फॉर अनदर डे, फिर कहा कि ओ मैंने पहला किसी और दिन के लिए रखा था। अब ये जो वो ट्रैवल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, तो उन्होंने बताया कि मैं जो पहले दिन में ट्रैवल करने वाला था वो किसी और दिन में ट्रैवल करूंगा, ऐसा उसने कहा। इट नोविंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे, आई डाउट इफ आई शुड एवर कम बैक, डाउट मींस उसको आशंका हुई कि मैं फिर से जहां से मैं आया हूँ वहां मैं वापस लौट पाऊंगा या नहीं। तो यहाँ पे कहा गया है तीसरे स्टेंजे में कि जो वो सुबह की बात करते हैं तो सुबह का टाइम था तो वो समान रूप से लेट गए थे, फिर वो जब रास्ते पे चल रहे थे तब उनके कदम मींस पैर काले नहीं पड़े थे, फिर उन्होंने सोचा कि मुझे डाउट में आशंका है कि क्या मुझे कभी भी वापसी करनी मिलेगी, मैं कभी भी मेरे घर वापस आ पाऊंगा, ऐसा यहाँ पे कहा गया है। फोर वन इज आई शैल बी चैलेंज हिज स्पीच ऑफ साइन, फिर मुझे एक आ के साथ कह रहा है। समवेयर एजिस एंड एजिस हैं, एजिस एंड एजिस मीन्स उम्र और उम्र, यहाँ पे कहा गया है कि मैं इसे एक आ के साथ कह रहा हूँ, कहीं और उम्र टू रोड्स डाइवर्जेंट इन अ वुड, जो दो सड़कें जाकर किससे मिलती है, एक जंगल से जाके मिलती है, और मैं एक यात्रा कर रहा हूँ। यहाँ पे जो पोएट है वो कह रहे हैं कि टू रोड्स डाइवर्जेंट इन अ वुड, दो सड़कें एक जंगल से जाके मिलती है। एंड आई टू, फिर मैं लेता हूँ दी वन लेस ट्रैवल बाय, लेस, लेस मींस कम, फिर मैंने एक कम यात्रा की, लेस ट्रैवल मींस कम यात्रा करना, जो दो सड़कें थी उन्होंने उन दो सड़कों में से एक ऐसी यात्रा चूज की जो कितनी छोटी थी, लेस ट्रैवल में जो छोटी यात्रा थी, कम यात्रा थी, तो उन्होंने वो चूज की। एंड दैट हैज मेड ऑल द डिफरेंस, और इससे सारा फर्क पड़ा, जो लॉन्ग जो यात्रा थी वो उन्होंने चूज नहीं की, और जो
एकदम कम मीन्स जो छोटी यात्रा थी वो उन्होंने चूज की, तो इससे क्या हुआ, वो जो यहाँ पे उसकी यात्रा थी तो उसमें कुछ फर्क पड़ा। तो यहाँ पे कहा गया है दी रोड नॉट टेकन में कि मेकिंग चॉइस, ये जो पोयम है वो अबाउट पोयम, वो किसके बेसिस है, वो एक मेकिंग चॉइस, जो चुनाव करना है उनको कि दो रास्तों में से आपको किस रास्ते पे जाना है, लॉन्ग या जो कम रास्ता है उस पे जाना है। तो यहाँ पे जो कवि है रॉबर्ट फ्रॉस्ट को उन्होंने कैसा रास्ता चूज किया कि लेस ट्रैवल में कम रास्ता तय किया, उससे बहुत डिफरेंसेस आए मीन्स बहुत फर्क पड़ा। तो ये जो हमारी पोयम थी उसमें हमें मेकिंग चॉइस चॉइस करनी थी तो उनके बारे में हमें बताया गया था। इन नेक्स्ट वीडियो वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चन आंसर अबाउट पोयम एंड ग्रामर ऑल्सो। सो थैंक यू वेरी मच।